हलचल टीवी न्यूज। राजद्रोह की सजा काट रहे गुजरात पाटीदार आंदोलन के संयोजक और पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेतृत्वकर्ता नेता हार्दिक पटेल का एक खुलासा भरा खत सामने आया है, जिसमें उन्होंने कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। ये खत हार्दिक ने जेल से ही अपने पिता को लिखा था, जो गत शुक्रवार उनके पिता के पास पहुंचा। खत में हार्दिक का सबसे चौंका देने वाला दावा है कि पटेल आंदोलन को वापस लेने के लिए हार्दिक को 1200 करोड़ का फिरौती का लालच दिया गया था। यही नहीं, पैसे के साथ साथ हार्दिक को बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाने का प्रलोभन भी दिया गया था। हार्दिक के पिता एक IAS ऑफिसर को दोषी ठहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हलचल टीवी। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।